गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है ट्यूसडे मॉर्निंग से। तो आपने देखा अभी क्लिप में, हस्बैंड जो हैं पूजा कर रहे हैं। आज उनका ट्यूसडे का फास्ट रहता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है मॉर्निंग में, क्योंकि मुझे आज टिफ़िन नहीं बनाना है, टिफ़िन बनाने से छुट्टी। लेकिन फिर भी मैं चाय वगैरह पैक करके दे देती हूँ ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज ऑफ़िस जाना है हस्बैंड को। तो मैं चाय बना के दूंगी, मखाने फ्राई करके टिफ़िन में पैक करके दूंगी, और थोड़े से फ्रूट्स भी दे दूंगी कट करके। तो आजकल बाहर से कुछ खा नहीं सकते, इसलिए घर से ही कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ज़रूरी होता है। और मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, मैंने खा लिए क्योंकि मेरा फास्ट नहीं है। और हस्बैंड के लिए मैं ये आलमंड्स मैंने रात को भिगो के रखे थे, ये पील ऑफ करके दूंगी, और थोड़े से मैंने अखरोट ले लिए हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पर ये हेल्दी ऑप्शन रहेगा। और साथ में ऑफ़िस के लिए चाय दूंगी मैं, और चाय के साथ थोड़े से मखाने फ्राई करूंगी। और लूसी को देखो, यहाँ पे आई हुई है, उसको मैंने रोटी खिला दी थी और उसको लग रहा है ये भी मेरे खाने के लिए बन रहा है, तो वो कूद रही थी उसके ऊपर। तो उसकी मस्ती तो इस तरीके से चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं मखाने फ्राई करूँगी, इसके लिए मैंने आधा चम्मच घी ले लिया है। और वैसे तो इसको ड्राई रोस्ट करके भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा सा ना फास्ट के दिन घी वाला फ्लेवर आए तो अच्छा लगता है, और भी टेस्टी लगते हैं ये। मीनवाइल टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है, मखाने एक टिफ़िन में पैक करूँगी, और ये छोटे वाले थर्मस में हाफ़ के जी का है, ये पूरा फिल नहीं करती हूँ, आधा करीबन मैं 2 कप के करीब चाय इसमें देती हूँ। और थोड़े से मैंने पपाया कट कर लिए थे, तो वो पैक कर लिया है ऑफ़िस के लिए। और दूसरी तरफ मैं तैयारी करूँगी नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट के लिए। तो सांभर डोसा बनाने वाली हूँ मैं, तो उसकी तैयारी एक दिन पहले से ही करनी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने एक बोल में चावल भिगो लिए हैं, और इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूँ, और थोड़ा कुछ नया ट्राई करने का सोचा मैंने। तो इसलिए मैंने सोचा मूंग दाल के डोसे बनाए जाएँ इस बार। तो इसके लिए मैंने दूसरे वाले बाउल में थोड़ी सी मैंने मूंग दाल ली है, और उतनी ही क्वांटिटी मैंने धुली हुई उड़द की दाल ली है। तो इनको मैं एक साथ भिगाऊंगी, और पोहा 1 चम्मच ले लिया है मैंने, चावल के साथ भिगा दिया है, और 1 चम्मच मेथी दाना। तो इन सबको मैं भिगो के रख दूंगी करीबन 7 से 8 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको शाम के टाइम पे इसका पेस्ट बना के इसको फर्मेंटेशन के लिए रखूंगी। तो देखती हूँ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कैसा बनता है, और नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है, तो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी मैं। गुड मॉर्निंग, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली है, अब मुझे बस शावर लेने के लिए जाना है। अभी ना फेस थोड़ा सा गीला हो रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने फेस स्क्रब किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी दिन से ना स्क्रब नहीं किया हुआ था फेस पे, तो स्क्रब किया है। और बाद में नहाने के बाद में फेस पैक लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी वाला, तो वीक में मतलब 2 वीक में एक बार या वीक में एक बार तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि मानसून सीजन है, ऐसे में स्किन और ह्यूमिडिटी हो जाती है स्किन में, तो इसलिए मॉइस्चर होने की वजह से पिंपल्स वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और आज मैं आप लोगों को एक सरप्राइज दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे गिफ्ट में मिला है, वैसे टॉपिक देख के आप समझ गए होंगे, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। पहले मैं दिखाती हूँ आपको लूसी। लूसी आज बॉल लेके आई है खेलने के लिए, और सुबह से उसी के साथ लगी हुई है। ये रही लूसी की बॉल, बस सुबह से इसी के साथ खेलने में लगी हुई है, मैं अभी खेल रही हूँ इसके साथ, देखो बस ये इसके साथ बिजी है, तो इसकी वजह से ना मेरा सारा काम फटाफट हो गया आज। देखो अब मैं देखना मारूंगी, कम, और देखो रूम कितना बिखरा पड़ा है, झाड़ू पोछा सब हो गया है, बस मुझे रूम समेटना है। मैं आपसे इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी, ये है बनारसी साड़ी जो कि मुझे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे दिया है, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ये, इसका कलर बहुत अच्छा है, वैसे कलर वगैरह सब मैंने ही चूज किया है, चॉइस मेरी थी, बस मंगाया उन्होंने, और ये उन्होंने ऑनलाइन मंगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं आपको अभी फुल लुक भी दिखाऊंगी, पहले इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इसका बॉर्डर है, मतलब पल्लू का बॉर्डर, जिस तरीके से इसमें झालर लगी हुई है ना, ये चीज इस चीज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये, और ये लटकन मुझे बहुत पसंद आई, और प्लस पूरी साड़ी में इस तरीके से बॉर्डर दिया हुआ है और शाइन करता है, जो बहुत अच्छा लगता है, और पूरी साड़ी इसी तरीके से है, ब्लाउज भी इसी में है, मतलब इसी पैटर्न का है ब्लाउज भी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा।
और ना मेरा बर्थडे था 4th of July को, तो उसी दिन ही आई है साड़ी। लेकिन मैंने सेलिब्रेट वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि बाहर से केक वगैरह तो ला नहीं सकते थे और घर पे बनाने का कोई इंतजाम नहीं था। तो हस्बैंड भी उस दिन ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सोचा रहने दो, हम किसी और दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो उस वजह से उस दिन सेलिब्रेट नहीं हो पाया और मैंने भी आप लोगों को बताया भी नहीं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब जब भी मैं सेलिब्रेट करूंगी तो जरूर आप लोगों को बताऊंगी। तो फिलहाल तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा एक मतलब हस्बैंड का एक सरप्राइज, जरूर बताना कमेंट करके। एक बार मैं आपको फुल लुक जरूर दिखाती हूँ और ना मैं पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार होकर दिखाती हूँ। वैसे साड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं पहनी है, इसके ऊपर मैंने टी शर्ट पहन ली है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा तैयार व्यार होकर दिखाती हूँ क्योंकि मैंने बाल भी नहीं बनाया, अभी जस्ट शॉवर लेके आई हूँ मैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कुछ भी नहीं किया ज्यादा मेकअप, सिर्फ मैंने ये बैंगल्स पहनी है। इसके पिंक कलर का था तो मैंने ये पहन लिया, रानी कलर का आई थिंक, तो इससे थोड़ा सा मैच हो रहा था, ये पहन लिया है। और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं लगाई है क्योंकि ना होंठ पे जो क्रैक हुआ है वो अभी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद मैं इसको साफ कर लूंगी और लिप बाम लगाऊंगी, अदरवाइज लिप जो है ना क्रैक और बढ़ जाएगा। तो बस लिप बाम लगाया है और मॉइस्चराइजर लगाया है और हल्का सा काजल लगाया है। तो यही है मेरा थोड़ा सा मेकअप और देखिए मैं साड़ी का पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। और लूसी यहीं पे है, ये देखिए लूसी, समझ आया तुझे? चलने में भी दिक्कत हो रही है इससे क्योंकि मैंने जस्ट ट्राउजर के ऊपर ही पहना हुआ है ये, और साड़ी इतनी लंबी है ना और इतनी ज्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट वेट है। तो ये मैं करवा चौथ के लिए बनाऊंगी, तो ये मुझे काफी अच्छी लगी और मुझे बहुत अच्छा लगा हस्बैंड ने इतना अच्छा मुझे गिफ्ट दिया, आज तक का बेस्ट गिफ्ट है ये। बनारसी साड़ी मेरे पास कोई भी नहीं थी, वैसे साड़ियां तो हैं लेकिन सब घर पे हैं। और आप लोग कहते भी थे कि साड़ी पहन के कभी वीडियो बनाओ, कभी दिखाओ साड़ी पहन के, तो मेरे पास यहाँ कोई साड़ी है ही नहीं, सारी साड़ियां मेरी घर पे ही है, मैं पहनती हूँ नहीं कभी भी। तो लास्ट टाइम भी मैं गई थी दिवाली के लिए तो जो मेरे पास साड़ी थी वो भी मैं घर लेके चली गई थी, तो यहाँ पे मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी। तो फाइनली करवा चौथ आने वाला है, मतलब 2-3 महीनों में आ जाएगा, तो तब के लिए मैं इसको बनाऊंगी। और साड़ी के कितने सारे काम होते हैं ना, अभी इसका क्या कहते हैं उसको, फॉल लगवाएंगे, इसके साथ का पेटीकोट लेना पड़ेगा और ब्लाउज वगैरह सिलवाना पड़ेगा, तो बहुत सारे तामझाम होते हैं। इसलिए मैं साड़ी बहुत कम लेती हूँ क्योंकि इसमें ना तामझाम बहुत होते हैं और ऐसे टाइम पे तो किसको दो सिलवाने के लिए। तो देखते हैं, अभी तो नहीं, 1-2 महीने के बाद इसको सिलवाने के लिए दूंगी। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा नया लुक और राखी वाला गिफ्ट, जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आपको ये साड़ी पसंद आई है, वैसे हस्बैंड ने मिंत्रा से मंगाई थी, एंड ऑफ रीजन सेल चल रहा था, तो ये मुझे पड़ी है आई थिंक 2200 की, मतलब 2200 की। और वैसे ना इसके साथ में ब्लू कलर का जो ब्लाउज आता है ना वो भी मैच करेगा क्योंकि पिंक के साथ में ब्लू भी अच्छा लगता है, मैंने कई बार देखा है पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। लेकिन इसका तो यही ब्लाउज है और देखिए कितने पल्लू जो है, क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, जो भी है बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने। तो अब मुझे काफ़ी हैवी हो रहा है साड़ी पहनना क्योंकि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैंने ऐसे ही लपेट लिया है, तो अब मैं इसको चेंज करती हूँ। तो ये रही मेरी साड़ी और ये ना रानी कलर की है और इसमें जो ये गोल्डन सी एम्ब्रॉयडरी है ना, इसको इसकी वजह से इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और ये पल्लू वाला साइड है तो ये रहा इसका झालर मतलब पल्लू, और बाकी पूरी साड़ी इसी तरीके के पैटर्न में है और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी तो मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दी क्योंकि अब मुझे लग रहा है इसको प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए हल्की सी सिलवटें इसमें आ गई। और ये 2 दिन से मैंने ऐसे ही खोल के रखी हुई थी, फोल्ड भी करके नहीं रखी थी क्योंकि मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था, तो फाइनली आज मैंने दिखाया। और ये है इसकी कंपनी मिटेरा और बस इतना ही लिखा है इसमें। तो बस ये आज का हमारा सरप्राइज़। आज का लंच मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्टकट वाला बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ अपने लिए बनाना था। कभी कभी होता है ना जब खुद के लिए बनाना हो तो आलस आने लगता है, जब बहुत सारे लोगों के लिए बनाना हो या किसी और के लिए भी बनाना हो तब मुझे आलस नहीं आता, जब सिर्फ खुद के लिए बनाना हो तब मुझे आलस लगता है। तो तब मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके से बना लेती हूँ। और घर पर एक चाउमिन पड़ी हुई थी कब से, तो मैंने सोचा वही बना लेते हैं, अदरवाइज तो ख़राब हो जाएगी क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है और पैकेट एक बार खुल जाए तो जल्दी से ख़त्म कर लेना चाहिए,
क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो फिर वो ख़राब हो जाती है, उसमें फफूदी सी लग जाती है। और दूसरी तरफ मैं रोटियां बना रही हूँ, ये रोटी लूसी के लिए बन रही है। ये मैंने ना आटा मॉर्निंग में गूंद के रख लिया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, तो थोड़ा सा आटा मैं एक्स्ट्रा गूंद के रख लेती हूँ। तो बस उसके लिए रोटियां बना ली है मैंने, और दूसरी तरफ मैं चाउमीन बनाऊंगी। और आज शिमला मिर्च भी थी, लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी विदाउट शिमला मिर्च बनाई थी, और चाउमीन में शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके बिना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और पता है चाउमीन ना बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, मुझे शाम को भी खानी पड़ी और दोपहर में भी खानी पड़ी, और थोड़ी आज लूसी ने भी खाई है। शाम के 4:30 बज गए हैं। मैंने जस्ट अभी मुल्तानी मिट्टी लगाई थी फेस पे, तो इसलिए टी शर्ट चेंज कर ली है, क्योंकि फेस वॉश करने की वजह से पूरी टी शर्ट गीली हो गई थी, पूरा पानी पानी हो गया था। और 1 घंटे तक लगाई थी तो उसको मतलब इतनी बुरी तरीके से वो सूख गई थी ना, पपड़ी जम गई थी, तो उसको धोने में इतना ज्यादा पानी लगता है, इतना टाइम लगता है, तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने चेंज कर लिए हैं। और 4:30 बज गया है, 1 मिनट कितना बजा है, हाँ करेक्ट 4:30 हो रहा है। और अब मेरा हो गया योगा टाइम, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी मैंने नहीं किया, आज थोड़ा सा लेट उठी, 8 बजे उठी मैं, और कल भी स्किप हो गया था, तो इसलिए मैं सोचूँ आज कर लेती हूँ एक्स्ट्रा, आज 1 घंटा करूंगी। तो मैं आपसे योगा करने के बाद मिलती हूँ। लूसी चली गई है अपने घर, और उसने एक नुकसान कर दिया था, प्रेस की वायर होती है ना वो खा ली थी, मैं नहाने गई थी, उसने प्रेस की वायर खा ली, तो अभी मार्केट से मंगाई है और हस्बैंड ने लाके लगा भी थी, तो चलो ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और प्रेस ना गर्म थी, वो तो अच्छा हो उसे कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज अगर वो जल जाती तो मतलब उसको लग जाता था मुंह पे, तो इस वजह से डर भी लगता है क्या क्या चीजें संभालो। तो मैं ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा प्रेस रखने का, आयरन क्योंकि गर्म थी इसलिए, वरना मैं हमेशा रख के जाती हूँ डब्बे के अंदर, लेकिन आज पता नहीं उसने कैसे खा लिया। चलो कोई बात नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, तो चलिए मैं आपसे योगा करने के बाद मिलती हूँ। और अभी शाम का टाइम है, 8 बज गए हैं, तो 8-10 घंटे हो गए हैं दाल को भीगे हुए, दाल को और चावल को। तो मैंने दोनों का फाइन पेस्ट बनाया है और दोनों को एक में मिक्स कर लूँगी। बाकी डोसा बैटर बनाने की प्रोसेस तो सेम वही है जैसे हम लोग नॉर्मल डोसा बनाते हैं धुली हुई उड़द दाल से, तो उसी तरीके से बनाना है। दोनों दालों को, चावल को अच्छे से फाइन मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके, कुछ भी मसाले वगैरह इसमें ऐड नहीं करने पड़ते हैं इस टाइम पे। तो इसको मैं बड़े से बर्तन में एक ही साथ मिक्स करूँगी, 2 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट कर इसको ढकना है करीबन 12 घंटे के लिए। और समर चल रहा है तो समर में जल्दी हो जाता है फर्मेंटेशन, तो अभी आप देखेंगे क्लिप में कितनी अच्छी तरीके से फर्मेंट हुआ है बैटर। और आज के दिन की शुरुआत हुई है बारिश के साथ, तो बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रहा है आज। तो यहाँ पे 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने एक तरफ सांभर के लिए दालें वगैरह रखने के उबलने के लिए रख दी है दाल, और थोड़ी सी उसमें मैंने कद्दू डाला है, थोड़े फ्रेंच बीन। और डोसा बैटर आप देखिए पहले से कितना ज़्यादा फूल गया है, एकदम बहुत अच्छी तरीके से फर्मेंट हुआ है। तो इसको मैं 1-2 मिनट के लिए और फेटूंगी, और इसकी थिकनेस एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाते हैं इसको, तो मैंने पानी रात में ही एक्स्ट्रा डाल दिया था। अगर आपको थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्ट ऐड कर दूंगी मैं 1 चम्मच के करीब, बस इसको 1-2 मिनट के लिए फेटेंगे और उसके बाद डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो डोसा बनाने के लिए वैसे तो नॉनस्टिक का तवा बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास नॉनस्टिक का तवा नहीं है तो आप लोहे के तवे में भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रेड किया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ठंडे पानी की बूंदे डाल के इसको गीले कपड़े से पोंछ लिया है ताकि डोसा बैटर जो है ना तवे के ऊपर चिपक जाए। तो आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से स्प्रेड करके 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाया है, और जब ये ऊपर साइड से भी गोल्डन ब्राउन सा होने लगे तो उसके बाद मैं इसके ऊपर आलू वगैरह जो मैंने बॉईल करके मैश किए हुए थे, आलू प्याज, तो वो ऐड कर दूंगी मसाला। और आप चाहें तो इसमें पनीर वगैरह भी और कोई सब्जियां हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जब तक डोसा जो है ना ऊपर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको बिल्कुल भी निकालिएगा नहीं, क्योंकि एक साइड से पकेगा दूसरी साइड से कच्चा रह जाएगा और इसमें उतना क्रंचीनेस नहीं आ पाएगी। तो बस हर बार यही करनी है, यही प्रोसेस है। पहले थोड़ा सा ऑयल लगाइए, उसके बाद ठंडे पानी की बूंदों से थोड़ा गीले कपड़े की हेल्प से इसको पोंछ लीजिए, उसके बाद नया बैटर आप स्प्रेड कीजिए और नया डोसा बनाइए। और आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ, यमी से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ। होपफुली आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।